आज योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें सबसे एक अहम प्रस्ताव था जहां खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, वो भी राजपत्रित। लंबे समय से मांग रही और लोगों की शिकायत रही, जो पदक जीत के आते हैं तो हरियाणा में तो होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी खिलाड़ी को वो सम्मान नहीं मिल पाता जो अदर स्टेट में मिलता है। मंत्री जी, आज बड़ा क्रांतिकारी फैसला था योगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के जो हमारे मूल निवासी खिलाड़ी हैं, उन लोगों को जो लोक सेवा आयोग की परिधि के पद है, उनको उससे पृथक करके उनको सरकारी नौकरी देने का फैसला उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उसमें मंजूरी दिया है। निश्चित रूप से ये खेल को बढ़ावा देने के साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन का भी मामला है, उनको प्रोत्साहन भी मिलेगा और आने वाले दिनों में युवा और ज़्यादा खेल से जुड़ेंगे। हम इस बात को भी कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे बिहार में और पंजाब में, हरियाणा में, अन्य प्रदेशों में ये विषय चल रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं था। उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को नौकरी में सेवायोजन देकर, उनको समायोजन करके एक तरह से कहा जाए कि उनका सम्मान भी बढ़ा है, उनका गौरव भी बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया। कितने विभाग में कितने पदों पर इनकी नियुक्ति होगी? 9 विभाग है, 24 पद है, 9 विभागों से वो रिक्तियां ली गई हैं और 24 पदों पर वो भर्तियां की जाएंगी। ये कब तक इसकी प्रक्रिया, मैंने शुरुआत कब से? आज कैबिनेट की मंजूरी मिली है, जल्द ही इसका विज्ञापन होगा, लोग आवेदन करेंगे। आंकड़ा है अपने प्रदेश में कितने पदक विजेता? मैं तो बता रहा हूँ आपको कि आज जो है कैबिनेट की मंजूरी मिली, इसके बाद विज्ञापन निकलेंगे और लोग आवेदन करेंगे और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसकी कमेटी बनी है और उसके बाद उनकी सीधी नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। कुछ आपके विभाग क्या कर रहा है 100 दिन के चुके एजेंडे पर भी बात? 100 दिन के एजेंडा हम लोगों ने तय किया है, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सरकार का बड़ा ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जहां खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद उत्तर प्रदेश में राजपत्रित अधिकारी के पद पर उनकी नियुक्ति होगी। सहयोगी अमित के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। आज